अभी तक हम ये सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, रिएक्ट की ऐप से भी हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। इन किसी भी प्लेटफॉर्म से जब मैसेज किया जाता है तो वो मेरे डायलॉग फ्लो पे पहुंचता है और मेरा डायलॉग फ्लो उसको वापस रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। लेकिन डायलॉग फ्लो के अंदर से हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब डायलॉग फ्लो में जैसे अलेक्सा में हम ये काम पहले से कर चुके हैं, अलेक्सा में हम ये काम पहले कर चुके हैं कि आपके पास जब अलेक्सा पे इंटेंट कोई हिट करता है तो अलेक्सा पे तो ये फीचर है ही नहीं कि भाई हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स दे सके आप, अलेक्सा पे ये फीचर है ही नहीं। अच्छा, लेकिन डायलॉग फ्लो में ये फीचर है कि भाई इसे हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स भेज देते हैं। अलेक्सा में आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप वेबहुक से ही रिस्पॉन्स भेजें, जिसको अलेक्सा में वो कहते हैं कोड, फुलफिलमेंट कोड भी बोल सकते हैं आप उसको, एंड पॉइंट भी बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम है चीज़ लेकिन सेम है। डायलॉग फ्लो में उस चीज़ को कहते हैं वेबहुक। मिसाल के तौर पर अगर आप होटल बुक कर रहे हैं या आपने पूछा वेदर, व्हाट्स द वेदर, तो एक इंटेंट हिट होगा, उस इंटेंट में वो सिटी का नाम पलट के पूछेगा। जाहिर है सिटी का नाम पूछने के बाद जब वो सारे पैरामीटर ले लेगा, होटल बुकिंग के केस में 3 या 4 पैरामीटर लेगा, फिर आपके पिज़्ज़ा ऑर्डर के केस में भी 3 या 4 पैरामीटर लेगा, वो जब कंप्लीट कर लेगा पैरामीटर, उसके बाद उस रिक्वेस्ट को वो फॉरवर्ड करेगा वेबहुक पर और वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास। अच्छा, वेबहुक क्या चीज़ है? एक सर्वर है, एक्सप्रेस का भी सर्वर हो सकता है, वो आपका कोई PHP वगैरह का भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी भी। हमारे केस में वो एक्सप्रेस का सर्वर होगा और हरिको पे डिप्लॉय हुआ होगा। अच्छा, अब उस वेबहुक के अंदर हम सारे पैरामीटर्स को कलेक्ट करेंगे और सारे पैरामीटर को कलेक्ट करने के बाद जाहिर है उसको प्रोसेस करेंगे, या तो डेटाबेस में सेव करेंगे या डेटाबेस से लेंगे या API कॉल करेंगे, फिर उसको रिस्पॉन्स करेंगे वापस। जैसे ही हम रिस्पॉन्स करेंगे वेबहुक से, तो वो वेबहुक से रिस्पॉन्स होकर कहाँ आएगा? डायलॉग फ्लो पे, और डायलॉग फ्लो उसको वापस जहाँ से रिक्वेस्ट आई है वहाँ भेज देगा। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या कर लिया है कि जो पुराना प्रोजेक्ट था हमारा उसकी एक कॉपी बना ली है, 3 रिएक्ट ऐप इंटीग्रेशन को मैंने 4 कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है? रिएक्ट इंटीग्रेशन विथ वेबहुक है। अच्छा, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम चला के देख लेते हैं कि अभी तक जो ये चल रहा है वो क्या है। क्लियर, मैंने कहा CD 05, उसके बाद CD 04 रिएक्ट ऐप इंटीग्रेशन, ठीक है। रूट जो है मेरा वो एक सर्वर है, मैंने कहा NPM रन डेफ, तो ये मेरे रूट पे जो सर्वर था ये चल जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये क्या कह रहा है? पाथ इज नॉट डिफाइंड। ओके, पहले तो मैं इसमें NPM i चला देता हूँ क्योंकि पिछले प्रोजेक्ट में से जो मैंने कॉपी किया पूरा, और उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि ये पाथ की कौन सी बात कर रहा है। अच्छा, ये इसमें लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इसमें एक लाइन लगी थी एक्स्ट्रा। ये लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये लाइन क्या थी बता दूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, तो हमारे पास इस वक्त मेरे सर्वर में क्या मौजूद है? एक है टॉक टू चैटबॉट, जो क्या करता है डायलॉग फ्लो को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है और वहाँ से रिस्पॉन्स लेकर आता है। ये वही कोड है जो पहले का लिखा हुआ है हमारा। अच्छा, हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल क्योंकि सेट है तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, ये बिल्कुल सही चलता रहेगा। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा परफेक्ट, यही वही कोड है जो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं। अब अगला काम हम क्या करते हैं, अपनी रिएक्ट की ऐप को भी ज़रा रन कर देते हैं। मैंने कहा CD, अच्छा मुझे पूरे उसमें जाना पड़ेगा, CD 05, अच्छा मैं ऑलरेडी इसमें हूँ तो CD web करूँगा। सही है, CD web करके मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ, ये वेब का फोल्डर है, ये पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, और मैंने क्या किया, NPM start, इससे मेरे रिएक्ट की ऐप चल पड़ी। ठीक है जी, ये मेरी रिएक्ट की ऐप चल पड़ी। इसको अगर मैं बोलता हूँ हाय, अच्छा हाय को इसने रिफ्यूज़ कर दिया, देख लेते हैं क्यों कर दिया। अच्छा, मेरे सर्वर का कोड ब्रेक हो गया किसी वजह से, देख लेते हैं मेरे सर्वर का कोड जो है वो क्यों ब्रेक हुआ है। अच्छा, क्रेडेंशियल का ही इसने इशू दिया है। अच्छा, इस क्रेडेंशियल का जो है एक सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया था, तो वही सॉल्यूशन इसमें हम अप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, इसके अंदर ये वही लास्ट वाला कोड है। असल में मैं जो लाइब्रेरी का जिक्र किया था मैंने, वो मैं लिख रहा था तो उसके चक्कर में मैंने आगे पीछे किया था एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो मे बी इसको उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ये जाना है और गूगल क्रेडेंशियल हेल्पर के नाम से ना ये npm पे लाइब्रेरी मैंने बनाई हुई है, आप अगर गूगल पे सिंपली भी जाके लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। मैंने कहा कि भाई गूगल क्रेडेंशियल हेल्पर और साथ में npm, क्योंकि ये npm की लाइब्रेरी है। तो ये पहले नहीं, अभी असल में मैंने एक दो दिन पहले ही पब्लिश किया तो मे बी इस वजह से वो नहीं आ रहा है। खैर, npm के अंदर जाके भी आप इसको कर सकते हैं, npm के अंदर जाके सर्च पे करके देख लेते हैं गूगल क्रेडेंशियल हेल्पर, क्रेडेंशियल्स है असल में, ऐसा नहीं लगाया था मैंने। तो ये पहले नंबर पे ये लाइब्रेरी आ गई, अंदर गया मैं इस लाइब्रेरी के, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, npm आई और ऐसे करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके ज़रा सर्वर को रोक देता हूँ और इस लाइब्रेरी को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, और इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या करना है, इस तरह से मेरे जो है ना एनवायरनमेंट वेरिएबल कुछ इस तरह के सेट होने चाहिए, ठीक है, हरिको पे कुछ इस तरह के दिखने चाहिए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इम्पोर्ट करूँगा और इम्पोर्ट करके इसको रन कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया, GC हेल्पर, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप इसका, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद इसको रन कर दिया, ये दो लाइन का ही कोड है। अच्छा, जैसे ही अब मेरे अपनी ऐप को रन करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे रूट पे ना फाइल क्रिएट कर देगा npm run dev, ठीक है। मेरे रूट पे ना इसने गूगल क्रेडेंशियल डॉट जेसन करके ये फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है जी। और अब जब आप इसको हरिको पे पुश करेंगे तो ये वाली जो फाइल है ना यही पुश हो रही होगी, और इसकी अच्छी बात ये है कि इस फाइल का जो नाम है ना वो ऑटोमेटिकली गिट इग्नोर में भी ऐड हो गया है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली गिट इग्नोर में भी ऐड कर देगा, लाइब्रेरी लेवल पे ये हैंडल हुआ हुआ है। तो ये फाइल जनरेट तो हो जाएगी रूट पे, लेकिन कभी भी ये गिट में पुश नहीं होगी। जब हरिको पे जाके आपका कोड चलेगा तो वहाँ पे ये इसी तरह से जनरेट हो जाएगी फाइल जैसे यहाँ पर हुई है। तो ये दो लाइन की लाइब्रेरी है, बहुत ही ईजी है। तो हमने इस तरीके से कर लिया, क्योंकि पुराने वाला जो चक्कर था उसमें बिल्ड पैक ऐड करना पड़ता था। अब बिल्ड पैक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ हरिको पे ही होता है, अब हरिको के अलावा कहीं और अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं तो जाहिर है वहाँ पे वो बिल्ड पैक तो मौजूद नहीं है जो उन्होंने कस्टम बना कर दिया हुआ है, जो एक आर्टिकल हम फॉलो कर रहे थे लास्ट टाइम उसकी बात कर रहा हूँ। तो बिल्ड पैक वाला काम जो है मैं किसी दूसरी जगह पर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तो मैं गूगल के क्लाउड पे अगर डिप्लॉय कर रहा हूँ अपनी ऐप को गूगल के क्लाउड पे, तो वहाँ पे तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है जो आपके एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे पे कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे AWS पे या और भी बहुत सारे प्रोवाइडर हैं हरिको की तरह, तो उसमें फिर ये वाली लाइब्रेरी ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। अच्छा, अब ज़रा चला के देखते हैं क्या होता है। चल गया, सही है, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा, तो भाई हमारा जो है ना ये इतना कोड चल गया है, यहां से रिक्वेस्ट जाती है डायलॉग फ्लो पे और डायलॉग फ्लो से रिस्पॉन्स आता है हार्ड कोडेड। अब जरा हम ओपन करते हैं अपना डायलॉग फ्लो और वहां पे जाके हम चेक करते हैं। ओहो, जी, मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल में दो चीज़ें सेट है ना। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, देखो यूजेज में ना सबसे पहले क्या काम करना है, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स, और उसके अगेंस्ट आपको ये चीज़ सेट करनी है। विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ में UI बनी हुई होती है की और वैल्यू की अलग अलग, ये लिनक्स में और मैक में इस तरीके से होता है, एक्सपोर्ट करके हो रहा होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा होगा इस तरह गूगल क्रेडेंशियल्स, और उसमें ये पूरा जेसन आपका सेव हुआ होगा, जो एक्चुअल जेसन है आपका, ठीक है ना। तो वो उसी एनवायरनमेंट वेरिएबल से वो जेसन उठा के ये फाइल क्रिएट कर रहा है, क्योंकि गूगल की जो खुद की लाइब्रेरी है अगर आप डायरेक्ट पूरी फाइल दे देना उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है भाई फाइल नहीं, फाइल का पाथ बताओ मुझे। तो काम असल में ये हो रहा है सर्विस के अंदर, ठीक है। हरिको पे आप इस तरह कर रहे होगे, उसको गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल में ये हार्ड कोडेड है, ये हमेशा इसी तरह रहेगा गूगल डैश क्रेडेंशियल डॉट जेसन, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। फिर गूगल क्रेडेंशियल पे आपका पूरा वो सर्विस अकाउंट का ना जेसन आ जाएगा। ये दो काम आपको करने पड़ेंगे हरिको पे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी लाइब्रेरी को। आपने कोड में लाइब्रेरी लिख दी, अब हरिको में आपको ये एनवायरनमेंट वेरिएबल इस तरह सेट करना पड़ेगा, समझ आ गए। अच्छा, तो मैं अपने डायलॉग फ्लो पे आ गया, और डायलॉग फ्लो पे
क्या हमने बनाया था नाम से, याद है किसी को? किस नाम से बनाया था? सैलानी करके कुछ बनाया था हमने, सैलानी। हेलो वर्ल्ड ये रखा था नाम, हाँ यही वाला है, सैलानी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नेम है और वेदर है, दो इंटेंट बने हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हम जाएंगे अगर वेदर के इंटेंट में, इसको और से प्लीज समझिए। वेदर के इंटेंट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे मैंने यूज़र क्या बोलेगा वो बता दिया, क्या पैरामीटर कलेक्ट करने हैं वो बता दिया, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और क्या रिस्पॉन्स देना है वो बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वर का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। सर्वर का जिक्र कैसे आएगा, ये फुलफिलमेंट जो लिखा हुआ है ना नीचे, इसको मुझे यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट, कि जब ये इंटेंट हिट किया जाए तो इसका रिस्पॉन्स ये हार्ड कोडेड वाला नहीं दिया जाए, बल्कि वेबहुक में रिक्वेस्ट भेजी जाए, वहाँ से जो रिस्पॉन्स है वो भेजा जाए। ठीक है, तो मैंने इसको इनेबल कर दिया। अच्छा, क्या ये अभी काम करना शुरू कर देगा? नहीं, क्योंकि वेबहुक का URL है कौन सा वो तो मैंने बताया ही नहीं उसको। अच्छा, तो आते हैं ज़रा कहाँ पे आते हैं, फुलफिलमेंट पे। फुलफिलमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। फुलफिलमेंट पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि अलेक्सा पे हमने देखा था दो तरीके थे, एक था उनका अपना लैम्डा फंक्शन, एक था उनका कस्टम एंड पॉइंट HTTP का, यहाँ पे भी दोनों अवेलेबल है। ये जो इनलाइन एडिटर है, यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, इनलाइन एडिटर वाली। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। अच्छा, इसको मैं अगर इनेबल करूँगा यहाँ पे से, तो देखो ये कोड मेरा इनेबल हो गया। ओहो, कैंसिल। अच्छा, इसके लिए बिलिंग इन्होंने लगा दी है भाई, तो ये रिसेंटली इन्होंने ना गूगल क्लाउड फंक्शन को पेंट कर दिया, बिलिंग रिक्वायर्ड कह रहा है मुझे ये। अच्छा, तो आप नोट कीजिए कि यहाँ पे भी ना सेम उसी तरह का एडिटर आ गया है जैसा हमारे पास अलेक्सा स्किल किट में आता था। यहाँ पे भी वही सारे मसले हैं जो अलेक्सा स्किल किट में होते थे, क्या वाला इंटेलिजेंस नहीं है, फिर कोड में इंटेंट नहीं कर सकते आप उसको, भाई इंटेंट तो VS कोड में होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटेंट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ों में फिर ये एरर दे देता है बिला वजह का, क्योंकि ये इतना इंटेलिजेंट एडिटर नहीं है। ठीक है, VS कोड इंटेलिजेंट है, उसमें स्नैपेट्स भी लग जाते हैं, काफ़ी चीज़ें लग जाती हैं, हाँ, और ये पेड भी हो चुका है। ठीक है, तो ये फ्री भी नहीं है, तो आप इसको फ्री में यूज़ भी नहीं कर सकते। ऑन अदर हैंड, अगर आप अपना कस्टम एंड पॉइंट बनाया हुआ तो उसको हरिको पे आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ये तो नहीं पता कि हरिको कब तक फ्री है, लेकिन किसी कुछ हद तक तो फ्री है ही। तो मैं क्या करूँगा, वेबहुक को यहाँ पे इनेबल करूँगा, कौन से वाले को, HTTP एंड पॉइंट को। अच्छा, HTTP एंड पॉइंट के बाद यहाँ पे मुझे एक अदद URL देना है जहाँ पे इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाए, सेम अलेक्सा में जैसा होता था वैसे ही करना है हमें, कि यहाँ पे एक मैं HTTP का, यानी हरिको पे मेरा जो सर्वर है उसका मैं URL दे दूँगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से रिक्वेस्ट वहाँ चली जाएगी। अच्छा, अभी मेरा जो सर्वर है वो मेरी लोकल मशीन में, तो मैं क्या करूँगा, लोकल मशीन में रन करके ngrok का लिंक जनरेट कर लूँगा। तो मैं वापस आया, वापस आके ये टॉक टू चैट बॉट के फ़ौरन बाद मैं क्या बनाऊँगा, एक बना दूँगा वेबहुक के नाम से, वेबहुक के नाम से एक बना दिया मैंने। अब ये वेबहुक जो है ये क्या है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, अभी वेबहुक के अंदर क्या लिखना है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, पहले हम ये बना के उसको URL पकड़ा के आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आके चेंजेस करते रहेंगे। अच्छा, ये वेबहुक मैंने बना दिया, अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट टर्मिनल, मैंने एक तीसरा टर्मिनल खोला, मैंने कहा ngrok स्पेस, और मेरा किस पे चल रहा है ये सर्वर 7001 पे चल रहा है, क्योंकि मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है ना मुझे, मैंने कहा HTTP और 7001 एंटर। अब ये मेरे जो 7001 पे जो सर्वर चल रहा है उसका मुझे क्या दे दिया इसने, HTTP का लिंक दे दिया, और ये लिंक मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, और ये लिंक कॉपी करके मैंने कहाँ पे ले जाके लगा दिया, इस जगह पे लगा दिया, स्लैश वेबहुक, यही था ना स्लैश वेबहुक, हाँ यही है, स्लैश वेबहुक लगा दिया। उसके बाद इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, और ये मैंने क्या बैक कर दिया गलती से। ठीक है, सेव करना था मुझे, मैंने गलती से क्या कर दिया, बैक कर दिया, स्लैश वेबहुक, और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे सेव का बटन है,
ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, मेरे वेबहुक का पीछे यू आर, अच्छा यहाँ पे बेसिक ऑथ लगा हुआ है, हेडर्स लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपका जो सर्वर है उस पर आप ऑथेंटिकेशन अगर चेक करते हैं, हमने इस तरह की कोई चीज़ लगाई नहीं है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है सर्वर पे बेसिक ऑथेंटिकेशन होती है, तो यहाँ पे कोई यूज़र नेम और पासवर्ड रख के भेजेंगे आप, तो हर रिक्वेस्ट के साथ ना वो भी साथ में जाएगा, तो आप उसको सर्वर पे चेक कर सकते हैं, अच्छा यार ये मेरे ही डायलॉग फ्लो से रिक्वेस्ट आई है ना, कहीं और से तो नहीं आई, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखी है, टू कीप इट सिंपल हम ये खाली छोड़ रहे हैं, और सर्वर पे हम यूजर नेम और पासवर्ड को चेक नहीं करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको फुलफिल करके दे रहे होंगे हम। अच्छा ये सेव हो गया भाई, यहाँ तक मेरे वेबहुक को कनेक्ट करने का काम खत्म हो गया। अब मैं जाऊँगा इंटेंट में, इंटेंट में जाके मैं जाऊँगा वापस वेदर में, ठीक है। ये इनेबल है यहाँ से इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो इनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट है, इसका मतलब ये है कि इस इंटेंट को जब भी कोई हिट करेगा तो ये तमाम पैरामीटर्स को कलेक्ट करने के बाद, अभी नहीं डायरेक्ट नहीं भेजेगा, पैरामीटर्स जब तक कलेक्ट नहीं होंगे जब तक ये नहीं भेजेगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे किसी ने सिटी का नाम नहीं बताया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टेल मी सिटी नेम, वो पूछेगा वो, अगर जब तक वो सिटी का नाम उसको मिल नहीं जाता वो पूछता रहेगा, जैसे ही उसको सारे पैरामीटर मिल जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड वाले, अगर रिक्वायर्ड नहीं लगाया ना तो दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी दिया तो चल जाता है, तो रिक्वायर्ड पैरामीटर सारे कलेक्ट करने के बाद उसको वो वेबहुक पे भेजेगा रिक्वेस्ट, ठीक है। वेबहुक पे भेजने के बाद 5 सेकंड तक उसके रिस्पांस का इंतज़ार करेगा, वेबहुक से रिस्पांस आने का इंतज़ार करेगा 5 सेकंड तक, ये लिमिटेशन है इसके अंदर, ये इन्होंने अभी अगले वर्जन में फिक्स कर दिया है, जो इनका V3 है डायलॉग फ्लो का, जो CX भी कहते हैं उसमें फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी हम वो कवर नहीं कर रहे क्योंकि यही नहीं हो रहा अभी तो अच्छा तो उसमें इन्होंने कस्टम लगा दिया है कि भाई कस्टम आप चेक कर सकते हैं 10-15 सेकंड जितने भी आप करना चाहेंगे, तो इसमें फिक्स है वो 5 सेकंड तक वो इंतज़ार करेगा कि वेबहुक से कोई रिस्पांस आ जाए तो वो मैं यूज़र को भेज दूँ, अगर नहीं मिलता उसको 5 सेकंड तक कोई रिस्पांस तो वो क्या करेगा, वो यहाँ जो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज है ना इनमें से कोई एक रैंडमली उठा के दे देगा, तो इन रिस्पॉन्सेज में अब मुझे असूलन क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग इन वेबहुक में भी, सही है कि वेबहुक में कुछ गड़बड़ हो गई है, जब भी 5 सेकंड गुजर गए रिस्पांस नहीं आया, समथिंग वेंट रॉन्ग इन वेबहुक। अच्छा बाकी के ये जो ऊपर वाले हैं इनको मैं हटा दूंगा, ठीक है, इनको हटा दिया मैंने, समथिंग वेंट रॉन्ग लिख दिया कि अगर भाई 5 सेकंड तक वेबहुक से रिस्पॉन्स नहीं आता तो जाहिर है अभी मैं वेदर बताना है मुझे तो मेरे पास बताने का कोई और ऑप्शन तो है नहीं, मैं कहूँगा भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर में भी, प्लीज ट्राई लेटर, सही है। वेबहुक में एच डबल कर दिया मैंने, सेव। यहां तक मेरे इंटेंट का काम भी कंप्लीट हो गया, डायलॉग फ्लो में जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं यहां पे आ जाता हूं वेबहुक में, अपने वेबहुक का जो पुराना कोड था सारा उसको मैं उड़ा देता हूं, ठीक है। ये वेबहुक का मेरा खाली, अब जब भी वहाँ से कोई इंटेंट को हिट करेगा मेरे पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ आएगी, वो इस जगह पे आएगी मेरे पास। अच्छा अब यहाँ पे से मेरे पास जो रिस्पांस भेजने का तरीका है वो एक ही तरीका है, और वो क्या है कि एक जेसन मैं रिटर्न करूँगा यहाँ से, जो बताए गए तरीके पे एक जेसन बना के यहाँ से रिटर्न करूँगा और वो यूज़र के पास पहुँच जाएगा। अब वो जेसन का तरीका कौन सा है ज़रा चल के देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट में जाके डायलॉग फ्लो V2 रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंटर, क्या किया उन्होंने, अलग से ही जाते हैं हम, यहाँ से चलते हैं डॉक्यूमेंट्स ही रहा, डॉक्यूमेंट्स में मैं गया, डायरेक्ट गूगल करने से मुझे नहीं मिला तो मैं डॉक्यूमेंट के जरिए जाने की कोशिश करता हूँ। रेफरेंस किधर है भाई, ये रहा डायलॉग फ्लो ES एंटर, ठीक है। अब यहाँ से मैं गया रेफरेंस में जाने के बाद REST API V2 रेफरेंस, सॉरी REST API नहीं है, यार कहाँ चला गया, गुम हो गया, गाइड में देखते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ना वो उन्होंने पूरा बताया हुआ है,
ये रहा फुलफिलमेंट में गालबन यार कहाँ गुम हो गया तो गुम हो गया बिल्कुल फुलफिलमेंट ये वाला है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ना पूरा उन्होंने जेसन बनाकर दिखाया हुआ है उसी तरह हमें करना उसी पैटर्न पे हमें उसको रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा यार है तो वो रेफरेंस नहीं वेबहुक सर्विस कहाँ पर है बताओगे गाइड में ही है अच्छा फुलफिलमेंट के अंदर वेबहुक सर्विस किस वाले में कॉन्सेप्ट में फुलफिलमेंट के अंदर हाँ यार ये बिल्कुल सही बता दिया मैंने थैंक यू सो मच यार अच्छा ये आ गया भाई रिक्वेस्ट जो हमारे पास वेबहुक पे रिक्वेस्ट पहुंचेगी वो कुछ इस तरह की होगी इसमें क्या क्या मिल रहा होगा मुझे रिस्पॉन्स आईडी सेशन आईडी ठीक है सेशन आईडी का मतलब क्या है जैसा कि मैंने जिक्र किया था शुरू में कि जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो वो एक सेशन आईडी के ज़रिए रिक्वेस्ट करता है ठीक है सेम सेशन आईडी को वो सेम सेशन समझता है अगर आपने ABC 123 ये सेशन लिखा है तो वो क्या समझेगा अगली बार जब उसी सेशन से आप जाएंगे ना मिसाल के तौर पर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं आपने बोला भाई ऑर्डर है पिज़्ज़ा वो बोले विच फ्लेवर तो आपको उसी सेशन आईडी से रिस्पॉन्स उसको जवाब देना है जब ही वो समझेगा अगर न्यू सेशन आईडी होगी तो नया शुरू कर देगा वो तो वो सेशन आईडी यहाँ पे मिल जाएगी आपको ठीक है सेशन आईडी में हम आमतौर पर क्या करते हैं यूज़र की कोई यूनिक आइडेंटिटी उसमें लगा देते हैं ठीक है ताकि उसको हम डिटेक्ट कर सकें क्वेरी रिजल्ट ठीक है अच्छा क्वेरी रिजल्ट में क्या होगा कि बंदे ने क्या बोला है वो यहाँ पे आ रहा होगा क्वेरी टेक्स्ट और क्वेरी पैरामीटर्स में वो पैरामीटर्स आ रहे होंगे जो बंदे से कलेक्ट किए गए हैं जैसे वेदर इंटेंट में सिटी का नाम पूछेगा जो पलट के वो तो वो सिटी का नाम मुझे इस तरह से मिलेगा ठीक है तो मैं डॉट डॉट लगा के ना रिक्वेस्ट की बॉडी में मुझे ये सब कुछ मिल रहा होगा तो मैं डॉट डॉट लगा के उसको गेट कर लूँगा अच्छा उसके बाद फुलफिलमेंट का टेक्स्ट अच्छा काफ़ी सारी अब नीचे चीज़ें हैं कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये भी मिल रहा है इंटेंट कौन सा वाला है ये उसका नाम मिल रहा होगा इंटेंट का ठीक है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं अब रिस्पॉन्स मुझे किस तरह का बना के भेजना है वेबहुक से वो हम ज़रा देख लेते हैं रिस्पॉन्स का जो पैटर्न होगा टेक्स्ट रिस्पॉन्स का वो ये होगा ठीक है टेक्स्ट रिस्पॉन्स का जो पैटर्न होगा वो ये होगा तो अब मुझे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतना पहले चला के देखते हैं ना टेक्स्ट रिस्पॉन्स को मैं वापस आया यहाँ पर और मुझे अब क्या भेजना है रिस्पॉन्स यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड अच्छा इस फंक्शन को एसिंक से मैं हटा देता हूँ एसिंक की क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड और उसके बाद ये पूरा जेसन सही है कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें यहाँ से मैं ये जेसन भेज दूँगा अच्छा क्या जेसन में लिख देता हूँ मैं वही वाली बात कट जो मैंने वहाँ से भेजी थी ना वही अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से भेज देता हूँ ठीक है और शुरू में क्या लगा देता हूँ मैं रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर या वेबहुक बल्कि रिस्पॉन्स फ्रॉम वेबहुक और फिर सिटी का नाम वगैरह अच्छा और मुझे पैरामीटर जो कलेक्ट करने हैं वो मैं कहाँ से करूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मुझे पैरामीटर चाहिए ना तो ऊपर जाकर वापस जाकर देखते हैं पैरामीटर मुझे किस तरह से मिलते थे इसमें ये मेरी पूरी बॉडी है राइट तो बॉडी डॉट क्वेरी रिजल्ट ठीक है डॉट पैरामीटर्स इस तरह करके मुझे मिलेगा ये तो मैंने कहा बॉडी डॉट क्वेरी रिजल्ट डॉट और उसके बाद पैरामीटर्स पैरामीटर्स ठीक है तो मैंने कह दिया कि भाई कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल्स टू दिस अब इसमें सारे पैरामीटर आ गए मेरे पास ठीक है पैरामीटर्स तक ये सारे पैरामीटर मेरे पास आ गए अब उसके अंदर जितने भी होंगे मेरे केस में सिटी नेम है सिटी नेम होगा अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ तो चार होंगे तो चारों लाइन से होंगे वहाँ पे ठीक है फ्लेवर साइज क्वांटिटी जो भी और है तो अब मैं पैरामीटर का जो ये नाम है ये कौन सा वाला नाम होगा ये वो वाला नाम होगा जो मैंने कहाँ रखा है यहाँ रखा है एग्जैक्टली दिस वन तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा मैं कहूँगा कि भाई पैराम्स डॉट सिटी नेम ठीक है कंसोल भी करा लेता हूँ इसको मैं ताकि सिटी नेम में मुझे जो भी मिला है वो कंसोल पे भी लॉग हो जाए
ठीक है, कंसोल पे लॉग भी करवा दिया मैंने, और रिस्पॉन्स के अंदर मैंने इसको बात को लिख भी दिया, ठीक है जी। सॉरी, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पैराम्स डॉट सिटी नेम लिखूंगा ना, ऐसे करके लिखूंगा, क्योंकि पैराम्स में मेरे सारे पैरामीटर सेव हुए हैं। इसको ज़रा मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये जगह कम घेरे, सही है, मल्टी लाइन कर दिया इसको मैंने। इस तरह का रिस्पांस मैं भेजूंगा तो ये यहाँ से रिस्पांस वापस चला जाएगा। अच्छा, ये किस किस्म का रिस्पांस है? ये टैक्स रिस्पांस है, अभी सबसे बेसिक सबसे सिंपल रिस्पांस है, ठीक है, इसको भेजना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मैं क्या करूँगा, टू डू मेक एपीआई कॉल टू वेदर सर्वर, जो भी वेदर का सर्वर है, जो भी सर्विस है, उसमें एपीआई कॉल करूँगा, जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को मैं क्या करूँगा, वो यहाँ इधर रख के उसको भिजवा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई सवाल, इसको चला के देखा जाएगा। अच्छा, ओके, अच्छा, मेरे पास जो सर्वर है वो रनिंग कंडीशन में है, मेरा जो फ्रंट एंड है वो भी रनिंग है, और मेरे सर्वर का जो एनजी रॉक है वो भी रनिंग में है, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं जी अब हमारी ऐप में, उसको हिट करके देखते हैं। मैंने कहा हाय, और हाय का रिस्पांस मेरे पास आया, हेलो आई एम योर वेदर असिस्टेंट। मैंने कहा भाई वेदर अपडेट्स दो मुझे, तो इसने कहा व्हाट इज़ योर सिटी नेम। अभी ये सर्वर से रिस्पांस नहीं आया, सर्वर पे कुछ भी नहीं पहुंचा मेरे, व्हाट, नमाज़ का टाइम हो गया, बस अभी छोड़ता हूँ, ठीक है। मेरे सर्वर के वेबहुक वाले पे ना कोई नहीं आया, अभी मैंने असल में टॉक टू चैटबॉट पे ना बहुत सारे कॉन्सोल लगाए हुए हैं, तो वो आ रहे हैं, तो मैं टॉक टू चैटबॉट के ना कॉन्सोल को सारे को बंद कर देता हूँ, ठीक है। टॉक टू चैटबॉट के मैं सारे कॉन्सोल को मैं बंद कर देता हूँ। मेरे वेबहुक पे अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। अब जब मैं उसको बोलूँगा ना कि कराची, तो इसको सारे पैरामीटर मिल गए, क्योंकि एक ही तो है पैरामीटर, एंटर। अब रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मेरे वेबहुक पे जाएगी, और इसने बोला समथिंग वेंट रॉन्ग इन वेबहुक, 5 सेकंड वेट करने के बाद। अच्छा, 5 सेकंड वेट करके भी, और अगर वेबहुक से 200 के अलावा कोई भी आया ना, यानी 200 के अलावा कोई भी वेबहुक से स्टेटस कोड आया, तो समझ जाता है कि वेबहुक तो भाई फेल हो गया ना, तो अभी क्या करूँ, अभी मैं वही रिस्पांस भेजूंगा जो है मेरे पास। तो हमारा वेबहुक क्या हुआ है इस केस में, फेल हो गया, उसमें कोई ना कोई कोड में एरर आ गया है, या तो मेरी गलती की वजह से आया है, ठीक है, या तो कुछ कोड में स्पेलिंग में आगे पीछे हो गया है, देखते हैं जी वो क्या एरर है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पैराम्स डॉट सिटी नेम अगर आप देखें लास्ट में, तो कराची प्रिंट हो गया, मतलब लाइन नंबर 56 तक का जो मेरा कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली चल गया है। अच्छा, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट सेंड में जो है ना कोई गड़बड़ हो गई, सही है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में कोई गड़बड़ हो गई है, और इसको ये पता नहीं चला, ये क्या बकवास है। अच्छा, इसको आप चेक करने का एक ही तरीका है कि डायलॉग फ्लो से डायरेक्ट इसको करके देखा जाए। मैं इसको कहता हूँ हाय, क्योंकि डायलॉग फ्लो से भी चेक करूँगा तो बात वही है। डायलॉग फ्लो से जब मैं चेक करता हूँ, वेदर ऑफ लाहौर एंटर किया मैंने, अगर रिस्पॉन्स फ्रॉम वेबहुक यहाँ पे तो सही आ गया, ठीक है, रिस्पॉन्स फ्रॉम वेबहुक जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया। हाँ, मेरा वेबहुक सही काम कर रहा है, यहाँ पे मेरा वेबहुक बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, सही है, रिस्पांस में एग्जैक्टली वही आया जो मैंने भेजा, तो वहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है मेरा वेबहुक, यहाँ पे तो सही चल रहा है। दोबारा यहाँ जाता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको, मैं कहता हूँ भाई वेदर ऑफ लाहौर एंटर, समथिंग वेंट रॉन्ग इन वेबहुक, प्लीज ट्राई लेटर। ये क्या सीन है भाई, अच्छा हाँ, ये कह रहा है कि नमाज पढ़ के आते हैं आप, सही है, तो नमाज पढ़ के आते हैं, फिर उसको हम मजीद देखते हैं कि डायलॉग फ्लो से जब डायरेक्ट चेक कर रहे हैं तो वेबहुक सही रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन जब मैं अपने रिएक्ट से हिट करता हूँ तो रिएक्ट से हिट करने पर वेबहुक में वो कह रहा है एरर आ गया, तो ये हम नमाज के बाद करते हैं। चलो,
तो भाई हमारे पास जो एरर आ रहा था उसके अंदर दो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एरर आ रहा था, तो वो मैंने दोनों को सॉल्व कर लिया इतनी देर में, तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो दोनों प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से हमारे पास चीज़ चल नहीं पा रही थी। अच्छा, एक तो प्रॉब्लम ये थी नंबर एक कि यहाँ से जो मैं फुलफिलमेंट मैसेजेस भेज रहा था ना, मैंने डिटेक्ट इंटेंट के रिस्पांस पे मुझे ये मिल रहा था इसी तरह मैसेज, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था कि मैं इसको पकड़ नहीं रहा था, मैं फुलफिलमेंट टेक्स्ट को पकड़ रहा था, ठीक है। तो यानी रिस्पांस करते हुए हमारे पास ना 3-4 मुख्तलिफ रिस्पांस हम भेज सकते हैं वेबबुक से, क्योंकि जिस अभी तो मैंने गूगल असिस्टेंट का फेसबुक वाला रिस्पॉन्स इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, तो डायलॉग फ्लो पर खड़े होके जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं डायलॉग फ्लो पर, तो अगर आपने गूगल असिस्टेंट से रिक्वेस्ट की है तो गूगल असिस्टेंट के रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं, ऑफ कोर्स जो हम डायलॉग फ्लो के डैशबोर्ड पे ही 4-5 तरह के अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो ये फुलफिलमेंट टेक्स्ट और फुलफिलमेंट मैसेजेस, ये दो तरह के इसमें ना रिस्पॉन्सेज आप भेज सकते हैं वेबबुक से। फुलफिलमेंट टेक्स्ट क्या है कि अगर सिंगल टेक्स्ट आपको भेजना है हर बार तो फुलफिलमेंट टेक्स्ट पे भेजेंगे आप। अच्छा, अगर आपको भेजने हैं फुल एक से ज़्यादा मैसेज तो फिर आप भेजेंगे फुलफिलमेंट मैसेजेस के अंदर, और उसमें फिर ऐसे पूरा एरे होगा। तो मैंने भेजा हुआ इस तरीके से था, लेकिन ऊपर अगर मैं वापस आऊँ टॉक टू चैट बॉट में तो मैंने इसको क्या पकड़ा हुआ था, फुलफिलमेंट टेक्स्ट को पकड़ा हुआ था, तो फुलफिलमेंट टेक्स्ट क्या मिल रहा था, एम्प्टी मिल रहा था मुझे, इसकी वजह से मेरे पास ये एरर आ रहा था। अच्छा, नंबर दो प्रॉब्लम मेरे पास ये थी कि मेरे पास वेब में ना थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जब मैं मैसेज सेंड करता था तो वो मैसेज सेंड नहीं हो रहा था, असल में एम्प्टी स्ट्रिंग जा रहा था उसकी जगह पर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये दो लाइनों को कॉमेंट किया है, ठीक है। ये दो लाइनें क्या करती हैं, जैसे ही मैं सेंड करता था तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स को खाली करवाती थी ये दो लाइनें, ठीक है। तो मैंने इन दोनों लाइनों को रोक दिया है फिलहाल, क्योंकि इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से होता क्या था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और मैं हाई लिख के एंटर करता था तो ये टेक्स्ट बॉक्स को खाली करवाता था, लेकिन उस खाली करवाने वाली लाइन की वजह से क्या हो रहा था कि मेरे पास सर्वर पर एम्प्टी स्ट्रिंग सेंड हो रहा था, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ये दो इशूज़ की वजह से ये मेरा कोड चल नहीं पा रहा था। अच्छा, तो अब मैं ज़रा ये ऊपर वाले कोड, अच्छा एक बाय द वे मैंने और भी चेंज किया है, वो भी प्लीज़ आप देखें। ये बाय द वे गिटहब की रिपॉजिटरी में ये कोड सारा मैं पुश कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस जगह पे हम मौजूद हैं फोल्डर में, तो यहीं पे आप जाके इसको देखेंगे। अच्छा, जब हम डिटेक्ट इंटेंट का रिक्वेस्ट को हिट कर रहे थे, हमने एसिंक अवेट वाले तरीके से इस रिक्वेस्ट को किया हुआ था। यार दोस्त, प्लीज़ आप लोग वेट कर ले बाहर, मैं 10 मिनट में ये कंप्लीट करके आपको बुलाता हूँ, फिर आप आ जाइएगा। सामने ऑडिटोरियम में बैठ जाएं प्लीज़, जो आ चुके हैं वो बैठे रहें, जो बाहर हैं वो बाहर ही रहें प्लीज़। एसिंक अवेट को करने का जो सही तरीका है वो ये है कि भाई आप ना ट्राई और कैच के ब्लॉक में लिखेंगे, ताकि अगर ये काम करते हुए कोई एरर आ जाए, क्योंकि एसिंक रिक्वेस्ट है ना, कहीं रिक्वेस्ट की जा रही है, सर्वर पे जा रही है, वहाँ से जब रिस्पॉन्स आए तो रिस्पॉन्स तो मुझे यहीं पे मिल जाएगा फौरन, लेकिन अगर ये काम करते हुए कोई एरर आ जाए तो वो कैच के ब्लॉक में चला जाए, राइट। तो मैंने ये ट्राई कैच भी इसमें लगाया था, इसके बगैर भी कोड बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन सही तरीका ये है कि ट्राई कैच में इसको लिखते हैं। अच्छा, अब भाई ये जो मैं जेसन में रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अभी तो मैं टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज दिए हैं तो इतना सारा जेसन बन गया, अभी इसमें मैं कार्ड्स भेजूंगा, इमेजेस भेजूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं भेज सकता हूँ। 5 बेसिक रिच रिस्पॉन्स है, जिसमें क्या है, टेक्स्ट तो एक है ही, सजेशन चिप है, उसके बाद इमेज है, उसके बाद कार्ड है, उसके बाद कैरोसेल कार्ड है, ठीक है। फिर लिंक आउट सजेशंस भी हैं, वो भी काफ़ी कॉमन हो गया कि सजेशन पे क्लिक करें तो वो किसी दूसरी वेबसाइट पे आपको लेकर जाए। तो ये 5-6 बेसिक रिच रिस्पॉन्सेज हैं। फिर गूगल, अगर हम फेसबुक मैसेंजर की बात करें तो उसमें वॉइस मैसेजेस भी होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप की बात करें तो उसमें कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं आप एक दूसरे को, व्हाट्सएप पे भी वॉइस मैसेज जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स भेज सकते हैं आप, तो वो सारे अभी इसमें काउंट मैं नहीं कर रहा। तो ये बेसिक ही 5-6 हैं। तो अगर हर मैसेज के, यानी हर इंटेंट के रिस्पॉन्स में अगर मुझे ये 5-6 प्लेटफॉर्म का जेसन बनाना पड़े तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ये एग्री करेंगे सब आप लोग इससे? अच्छा, तो उसके लिए अब सॉल्यूशन क्या है कि ये मैंने जो जेसन में रिस्पॉन्स भेजा है, मैं ऐसे जेसन में रिस्पॉन्स नहीं भेजूंगा, बावजूद इसके कि एक ही तरीका है रिस्पॉन्स भेजने का, वो जेसन यहाँ से भेज रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जेसन हम ऐसे करके नहीं लिखेंगे, इसके लिए डायलॉग फ्लो ने एक लाइब्रेरी बना दी है, उस लाइब्रेरी के जरिए हम ये जेसन बनाकर भेजेंगे। वो लाइब्रेरी कर यही काम रही है पीछे, आप वो लाइब्रेरी का कोड लिखेंगे, वो जेसन जनरेट करके बना देगी। एलेक्सा में भी सेम यही होता था। तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास से हम क्या करेंगे, ये वाला जो जेसन है इसको हम लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे। उस लाइब्रेरी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, एंटर।
ठीक है, NPM भी लिख देता हूँ साथ में। ठीक है जी, ये वो लाइब्रेरी है, इसके अंदर आप एक रिस्पांस लिखते हैं और पांच छह प्लेटफॉर्म का पीछे जेसन ये खुद से बना देता है, तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहती है। ठीक है, टेक्स्ट, कार्ड, इमेज, सजेशन चिप, कस्टम पेलोड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। नीचे छोटी सी एग्जांपल भी बनी हुई है कि ये चलता कैसे है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपने वेबहुक का कोड जो हमने बेसिक सेटअप कर लिया है उसको हम इस लाइब्रेरी पे मूव करेंगे। आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये कि जो टू डू लिखा हुआ है ना इस जगह पे एक्चुअल वेदर की एपीआई कॉल करके उसको रिस्पांस पे भेजना है आपको। ठीक है, क्योंकि वेबहुक अब आप सीख चुके हैं इस क्लास के बाद, जस्ट हम लाइब्रेरी पे मूव करेंगे, वो आप खुद भी कर सकते हैं बाय द वे। तो आपको अगली क्लास में जब आना है तो इसके अंदर वेदर का जो सर्वर है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपके पास। मैं ये सारा कोड पुश कर देता हूँ। अच्छा जी, टुडेज कोड, और ये करके मैंने पुश कर दिया। ठीक है, अब अगली क्लास में प्लीज़ ये बना कर लाइएगा आप लोग, और हरिको पे होस्टेड भी होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है।